हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पे। तो ना आज वैसे कोई प्लान था नहीं कैंपिंग करने का, लेकिन ना आज मैं जा रहा हूँ अन्नदा के यहाँ। तो अन्नदा के यहाँ उनके प्लेस पे, उनके यहीं पे नियरेस्ट एक प्लेस भी है अच्छी सी, तो वहाँ पे कैंप करेंगे आज। और आज एकदम ही अनप्लैंड है, कोई प्लान नहीं था। मैं अपने गाँव से निकल गया हूँ और चलता हूँ यहाँ से अन्नदा के यहाँ। अब देखो भाई, मैं पहुंचा हूं अभी यहां अपने यहां रोड पे, कर्ण ग्रैज पे, है ना, गांव से आकर के। और पापा बता रहे हैं कि यहां से स्कूटी जो है कि भी उस तरफ के एक दूसरे गांव पे रखी है। अब बताओ यार, अब मेरे को ना पैदल चलना पड़ रहा है, रोड ही रोड। यहां से मैं पैदल जा रहा हूं और लेट पे लेट हो रहा है। चलो भाई, मैंने ना सामान वगैरह सब गाड़ी में रखा था, यहां से ले गया। अब स्कूटी में चलना है यहां से मेरे को। मेरे पिताजी भाई यहां रखे गए हैं, फिलहाल वहीं चलते हैं और वहीं पे मिलेंगे, ठीक है आप। दोस्तों क्या सनसेट है भाई, सभी जगह ना अभी अंधेरा छाने लग जाएगा। और कहीं ना दूर पे भजन चल रखे हैं, आजकल ना नवरात्रि हैं, और सूर्य अस्त होते हुए देख रहा हूँ। वाह, लास्ट बचे हैं और ये हो गई भाई। वाह, अब सिर्फ आसमान में लालिमा है। आगे भाई, बढ़िया बढ़िया यार, बड़ी गर्म हो रखे हो यार। तो और मैं एक ही स्कूटी में आ रखे हैं जैसे तैसे करके। अब ये कच्चा रास्ता है जंगल का, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ये मतलब दो लोग जा पाए। तो अन्नदा के पास भारी बैग है, तो वो स्कूटी चला रहे हैं, सब सामान उसी में है ना। अभी पढ़ो यार, स्कूटी इतना लगा जाना, हम इतना के जाना। नहीं नहीं, स्कूटी स्कूटी नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं छोड़ेंगे स्कूटी, तुम चलो इधर पे। यहाँ पर से सब दिखे रहता है। चलो ठीक है बेटा। भाई सो जहरीली हो। देखो भाई, ये जहरीला बिच्छू घास है, बहुत गंदा लगता है यार ये। एक तो नॉर्मल बिच्छू घास होता है, ठीक है, लेकिन ना ये जंगल का है तो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। बाप रे, तो भाई बहुत ज्यादा ना डर लग रहा है इस रास्ते पे चलने में। बस यार हाथ ना लगे। चलो अभी ना हम लोग लोकेशन पे हैं, समझो। हाँ, ऊपर तक हम लोग स्कूटी ला रखे हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर को नहीं आ सकती, तो वहीं पे स्कूटी रोक दी है। चलो भाई, फाइनली ना लोकेशन पे पहुंच गए हैं। देखो खुजलाने में ही है क्या, क्यों मतलब इतना खुजली क्यों हो रखी है। रास्ते में ना आप सुबह दिखाएंगे आप लोगों को, सुबह पूरा बिच्छू घास भरा है। अब हम सो जाएंगे भाई, आज तो हम ऐसे सोने वाले हैं ना जैसे बकरवाल लोग सोते हैं। बकरवाल लोग यहाँ बिना टेंट के अपने कुत्ते और बकरियों के साथ सोए रहते हैं भाई। हाँ, वैसे हम आज अपने सामान के साथ ओपन सोएंगे। आज टेंट नहीं लगाते हैं, छोड़ो है, टेंट पक्का ना। हाँ, आग जलाते हैं, बस हो गया, बस। तो भाई अभी ऐसा है कि पहुँच तो गए हम लोग लोकेशन पे, अब ना आलस आ रहा है सही बताऊँ तो, क्योंकि आज प्लान था नहीं गेम का, अचानक से बना है। लेकिन हमने कहा चलो एंजॉय करेंगे, जाएंगे करके, और आज बस बढ़िया से एंजॉय करेंगे। आज आपको मजे आने वाले हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। आज डिफरेंट टाइप की कैंपिंग होगी। बाकी ना ठंडा इतना भयंकर हो रखा है कि क्या बताऊं यार। अब आप, और ये तो देवदार का जंगल है, यहाँ तो वैसे ही ठंडा होता है। हाँ यार ना, और जो जंगल है ना बहुत ज्यादा डीप घना जंगल है, आप लोगों ने ड्रोन शॉट में देख लिया है, तो भाई भयंकर ही चीज है यार, है ना। यहाँ मतलब रात काटना वास्तव में एक चैलेंज है। और आजकल शेर डेली दिख रहा है यहाँ पर। मैं बैल कुकरी लिया रहा हूँ, लेपर्ड कुकरी लिया रहा हूँ, तल्ली है। क्या है को
कुकरी आवारा हैं। अनुदा बोल रहे हैं कि ये इनका लोकल एरिया है, तो कुत्ते को हंट बोल रहे हैं कि एक एक, एक लेपर्ड हंटिंग हुई है। हाँ बिल्कुल, डॉग हंटिंग हो रखी है। लेपर्ड हंटिंग लेपर्ड हंटिंग क्या होगी यार। चलो अनुदा क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं कह रहा भाई। अनुदा के ना परसों सपने में राम जी लक्ष्मण जी मिल करके सीता को ढूंढने जा रहे थे। तो भाई वो तो गए थे यार वो। तुम क्यों आए थे? मेरे सपने में आए थे। तुम भी ढूंढ रहे थे उनके साथ? एक्चुअल में हुआ क्या था ना, राम जी लक्ष्मण जी और मैं सीता माता को जंगल में ढूंढ रहे। अब मुझे पता भी है कि रावण लेके गया है, सब कुछ पता है मुझे, पूरी रामायण पता है मेरे दिमाग में, मतलब सब कुछ पता है कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद भी चीजें ऐसी हुई। लेकिन हो क्या रहा था, मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मैं ये बता दूंगा तो इनको पता लग जाएगा, फिर रामायण पूरी हो नहीं पाएगी। मैं उनको पता ही नहीं रहा हूँ सच में यार, कसम से कह रहा हूँ मैं। फटाफट से ना टेंट सेटअप कर लेते हैं और टेंट पिच वगैरह कर लेते हैं। कैसा? बिल्कुल भ्रम भ्रम कहाँ हो रही है। ये वाला टेंट ना मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट टेंट है, मतलब इस पे बहुत चैन की नींद आती है। वाओ यार फीलिंग ऑसम, फीलिंग ऑसम ऐसी आती है। देखो सामने में बैठ गए यार, देखो ऐसे आती है फीलिंग ऑसम। जिस जगह पे अभी हम लोग कैंप कर रहे हैं तो यहाँ की फेमस लॉज है और मजा आ जाता है शामदा की कटकी खा के। और इस तरफ लग गया अपना स्टोर रूम। तो भाई चलो, अपना ये वाला टेंट हो गया अपना स्टोर रूम, ठीक है। इसके अंदर सारा सामान रख दिया है। चलो यार अभी एक काम करते हैं ना, चाय बनाते हैं। चाय आज अनुदा बनाएंगे भाई। मैनेजर मैनेजर लाओ लो। दिमाग तो है लौंडे के पास। ये देखो भाई, ये अपनी टेबल रेडी हो चुकी है। उसकी ढक्कन भी कितना टाइट है, तुमने सब चीजें टाइट कर रखी है यार। ए मर गई मर गई मर गई मर गई यार, वही चीज तो कभी तो ढूंढ रहा हूँ। तुमने केतली धोई थी? हाँ केतली धुली है मेरी। नहीं यार इसमें से महक आ रही है भाई दूध की। अरे तो थोड़ी बहुत चलती है वो। साफ पच्चे से किया करो फिर। भाई विंटर का टाइम है तो बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ गई है और इस वजह से ना चाय थोड़ा ज्यादा लगेगी। चाय थोड़ा ज्यादा लगेगी। मतलब आराम से भाई, आराम से। चलो भाई इस तरफ मैट बिछा देते हैं। चलो क्या मजे रे मजे। आ जाओ भैया बाहर निकलो। चलो काली मिर्च की झांस आ रही है, झांस दोस्तों। अरे डालो ना मजा आएगा। अब तो बहुत तगड़ा कलर आ गया है। अरे बढ़िया, बंद कर दूं? अरे बंद करो बंद करो बंद करो। आ जाओ भाई आ जाओ, चाय पी लो। कौन सा कप था तुम्हारा? ये इसमें UW लिखा हुआ नीचे। बराबर है। क्यों है बराबर है? देख रहे हो? चाय भी आज तो श्यामदा वाली बना रखी है सच में, क्योंकि चाय पत्ती उनकी थी सच में। वैसी ही रखी है ना। आज हमने चेयर्स नहीं किया, अभी तो किया, गिलास नहीं तब का है तो नहीं किया। क्या और साथ में ना देखो एक एक बन भी है दोनों भाई के लिए। तो भाई देखो इस तरफ ना धुआं लगा दिया है, आग जला करके ना हरी पत्तियां डाल दी हैं ताकि मतलब देर तक टिके आग, और धुएं से ना कोई जंगली जानवर बगल बगल होंगे तो वो दूर ही रहे मतलब, इसलिए।
बाप रे दोस्तों, इतना ज्यादा ठंडा हो गया ना। 10:49 11 बज जाता है और अभी तक चाय पीने के बाद ना कुछ भी नहीं किया है। सही बताऊं कुछ भी नहीं यार, बस आलू उबाले हैं तो उनको छिलते हैं, ठंडे भी हो गए हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है अभी तक। वह बैठे हैं, आग वाग जलाई तो थोड़ा बहुत बातें हुई है ना, वही है। लेकिन ठंडा बहुत खतरनाक हो गया है भाई, अब तो नींद भी आने लगी है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से यार कुछ बना लेते हैं खाने के लिए, पेट पूजा करनी जरूरी है भाई। क्यों खाना अगर पता होता ना कि इतना ठंडा होगा तो शायद से पहले बना लिया था खाना। यार इस सेल में GoPro Hero 9 के रेट नहीं गिरे यार। नहीं तो सोच रहे थे तुम्हें हैं हेटा, मतलब बहुत पैसा बना रखा है भाई ने। एक तो ना ओस भी पड़ी है, क्यों इस वजह से थोड़ा सा और ठंडा बढ़ गया है। अब अगर कोई भी उत्तराखंड में आ रहा है कैंपिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, कहीं घूमने या जो भी, तो ना यहाँ के हिसाब से स्वेटर वगैरह जो भी विंटर में पहनने वाली चीज़ें हैं वो पहन के आना, वरना भाई आप पछताने वाले हैं यहाँ करके। अभी से ऐसे हाल हैं तो आने वाले टाइम में न जाने कितनी भयंकर सर्दी होने वाली है। बहुत हो गया भाई बाहर बोर, अब खाना बनेगा अंदर। बाप रे रोज भयंकर लग रही है यार, रोज तो खतरनाक ही है। चलो भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा पड़ेगा ऑयल, अभी ना ठंड इतनी ज्यादा है कि ये सिलेंडर जम जा रहा है। देखो अभी मैं इसको हिलाऊंगा, देखो इसने पकड़ लिया है फोर्स में एकदम। लाइटर दे दो, सुपर जाएंगे चीरे। ओए मर गया, नॉन वेज बन गया यार दोस्तों। गलती से ऐसा भी हो जाता है यार। चलो अब पड़ जाएगा आलू। भैया जी आप चटनी कब बनाओगे? अरे यार चटनी किस में बनाऊंगा वो समझ में नहीं आ रहा है। आप हाँ जुगाड़ तो करनी पड़ेगी यार इसके लिए चटनी की। तो भाई धनिया वगैरह ना थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। भाई देखो कितनी भयंकर हो रखी है ये मिर्च, घर की मिर्ची है ये, पहाड़ी मिर्च। और सिंपल सी चीजें देखो, जैसे कि मिर्च पड़ गई थोड़ी सी, थोड़ा सा पड़ जाएगा धनिया। अब ना बस आज मतलब इसी चीज का तो सुकून है कि भाई ज्यादा लंबी प्रोसेस वाला नहीं है, तो मजा आएगा एकदम है ना। इजी कुकिंग है और बहुत ज्यादा टेस्टी चीज है। ये पड़ गया भाई चटकारेदार, क्या गुठले निकाल के नींबू। और अभी तुम्हारी आवाज ऐसी गूंज रही ना। चलो भाई ये हो गया ना, अभी बस जो हमारी डिश है उसका मेन पार्ट हो चुका है, इंग्रेडिएंट्स हो चुका है रेडी। अब थोड़ी सी तैयारी करनी है, हल्की वाली, ज़्यादा नहीं, लगभग ना हमारा वैसे बन गया है। बस एक चटनी बनानी है जो मेन है, तो वो चटनी बना लेते हैं सबसे पहले। अब जुगाड़ करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए। अब देखो दोस्तों कैसे चटनी बनाई जा रही है, ये इसकी होगी कुटाई अच्छे से। चटनी बननी चाहिए ना स्वादिष्ट वाली, तभी तो आएगा असली मजा। हल्का सा सॉल्ट पड़ेगा, इसको मसल लेंगे। अब देखो दोस्तों मैंने ना कूट कूट के सेम वैसी चटनी बना दी है जैसे मिक्सी में बनती है। अब उतनी बारीक तो नहीं होगी, लेकिन इससे ज्यादा बारीक तो मिक्सी में भी नहीं करनी होती है, फिर ये चटनी नहीं रह जाती। और इसमें ना थोड़ा सा टमाटर भी डाला है, बड़ा मस्त टेस्ट आता है। जो ये चटनी है ना इस पे अदरक और लहसुन भी पड़ता है, लेकिन
प्याज भी पड़ता है, प्याज डालो ना डालो ऑप्शन होता है, लेकिन मतलब अदरक लहसुन तो पड़ता ही पड़ता है। अब लेकिन जैसा कि नवरात्रि है तो लहसुन खा नहीं सकते हैं ना, इस वजह से हम लोग लहसुन नहीं डाले हैं। कोई बात नहीं, चलो अब प्रिपरेशन कर लेते हैं, ऑल सेट। अभी ना सारे ब्रेड्स निकाल लिए हैं। अब इसमें एक ब्रेड का आपको पता ही होगा कि ब्रेड में एक लास्ट पीस ऐसा होता है जो एकदम पिचका हुआ होता है, तो इसका भी यूज है। अब देखो पानी तो ज़्यादा है नहीं, तो आलू बॉईल, आलू अभी आलू मसाला बनाया था ना, तो बस इससे साफ़ कर लेंगे बढ़िया से। इस पे लग गया है बढ़िया से टमाटर की आहा वाली चटनी, अरे सॉरी पुदीने की, एकदम आहा। ठीक है, एक लेयर आलू मसाले सच सच। चलो ये अभी क्या करना है कि लगाएंगे इसको, ये 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 और इस पे ये लेयरिंग, वाह भाई वाह। इस पे पड़ जाएगा बढ़िया से घी, देसी घर का घी भाई, घर का पहाड़ी घी। जिससे कि सब कुछ चिपक जाए आपस में। बढ़िया से दोस्तों इसको रख देंगे ये प्लेट पे। अब इसको वैसे खाने में तो गर्मा गर्म ही मजा आता, क्या करें, खा ले क्या पहले? हाँ इसका हाफ हाफ करो, खा लेते हाफ हाफ कर लेते हैं, खा लेते हैं कैसा। ये लो जी देखो बढ़िया तरीके से ना एकदम अंदर से देखो चीजी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से अपना रेडी है। चको क्या इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी? इसके साथ कोल्ड ड्रिंक है लेकिन बाद में पियेंगे उसको, फिलहाल चको यार टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। ओहो सच में वाओ गाइस, क्या कहना चाहोगे भाई? मस्त होना बेस्ट है। अन्यथा इस पे जो उसका फ्लेवर आ रहा है किसका, नींबू का, और नींबू का जो फ्लेवर आ रहा है नींबू पुदीना वगैरह का मिंट का जबरदस्त है, जबरदस्त। अभी ना दोस्तों देखो मैंने सारे जो सैंडविच हैं उन पे डाल दी है टॉपिंग्स वगैरह। देखो एक लेयर ये पड़ेगी और ये पड़ जाएगा इस पे, पड़ जाएगा इस पे ये। इतना स्वादिष्ट घी है ना, घर का घी है, मम्मी ने बना रखा था तो मैं ला रखा हूँ ना, इसको कच्चा खाने में ही इतना बढ़िया प्यारा सा टेस्ट आ रहा है और खुशबू तो आई हुई। तो भाई बटर वटर नहीं भाई, घी लग रहा है, सेकते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं, तभी तक ना अन्नदा का भी बन जाता है। तो गर्मा गर्म खाएंगे उसी टाइम सेक के खाएंगे ना। क्या बन रहा आज भाई? मैं बना रहा हूँ कड़ी। अच्छा वाह मजा आएगा, पहाड़ी स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल में भाई। तभी तक भाई का खाना बन रहा है, कब तक भाई अपने आप को सुरक्षित कर लेता हूँ मैं स्लीपिंग बैग ओढ़ के। चलो भाई अपन तो भाई छुप जाता है, तेरा भाई की चल जाए कुकिंग, नजर रखना जरूरी है। और ये जो छोटे छोटे ये वाले खंबे है ना, ये तो ये खंबे किसी टाइम ऐसे लग रहे हैं कि डराने वाले। लाइट ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना अगर आसपास कोई जानवर होता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। तो आपने मेरे एक वीडियो में देखा भी होगा,
जानवरों की, जंगली जानवरों की आंखें चमकती हैं करके, तो नजर बनाए रखनी होती है। तो कभी भी क्या करते हैं कि देखो, एक ने जैसे मैंने कुकिंग किया तो उस टाइम तक अनुदा ने इधर उधर निगरानी की, अब जैसे ये कुकिंग कर रहे हैं तो अभी मेरी जिम्मेदारी है कि इधर उधर की निगरानी रखना। यार घी इतना सख्त हो गया ना, इतना सॉफ्ट घी था ये। चलो भाई, ये लाइट लग गई इधर पे, अपना डिनर रेडी है, जल्दी आओ अनुदा, ले आओ सब कुछ। और फाइनल, ये ज्यादा क्रंची नहीं है तो ये टूट भी गया, देखो है ना ये। चलो, ये बेहतरीन सी बनी है कड़ी। ओए होए, क्या कलर तो गजब आ रखा, आप देखते हैं टेस्ट कैसा आ रखा है। और ये है भाई राइस, जीरा राइस, जीरा राइस और सैंडविच, तो सब लपेटते हैं और उसके बाद सोते हैं बढ़िया से। सेट कर। चलो भाई, खाते खाते हैं फटाफट से। चलो यार, मेरे को तो भाई खाना ही और जो ये वाली प्लेट है ना, चलो करें फिर सर्व। चावल तो भाई बने बनाए हैं तो अभी सख्त भी हो गए हैं, पहले से बना के रख दिए थे ना ये। भाई मैं बहुत दिनों बाद कड़ी ये झोली भात खाऊंगा। चलो भाई, दबा के भूख। वाह, मजा आ गया। गजब, थोड़ा गजब बनाया, खट्टापन है, खट्टा है थोड़ा, क्योंकि उस कड़ी खट्टी थी, मतलब कि जो छांच थी वो खट्टी थी, और बाकी अपना झोली भात ना जबरदस्त बना है। ऐसा ही खाने का मन करता है भाई मेरे को, खट्टा मस्त। और आज हम लोग फ्राइड राइस भी बना सकते थे, इसका चावल वैसे ही बने, एक एक दाना अलग। बाकी का ना, पहली बार जब मैंने बनाया था तो उस पर डबल कोटिंग नहीं थी पुदीने की चटनी की, अभी डबल कोटिंग के साथ है। चलो अब भाई का बनाया हुआ सैंडविच ट्राई करता हूँ। वाओ, एकदम डिफरेंट टेस्ट। सोचो यार, कैंपिंग में ना साथ में करने का ये फायदा होता है, दो दो चीज खाने को मिल गई। वाव, ये देखो, बड़ा कमरा, सुकून सुकून। इसमें हम दो, एक तितली और एक और कीड़ा मकोड़ा ऊपर उड़ा है। तो चलो भाई, खाना खाना पीना बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, अब सोते हैं। और 2:39 बहुत ज्यादा अश्लील बात, नींद आ रही है लग जाता है भाई। देखो आपको एक रियलिटी बताऊं, 2:40 इस टाइम पे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे उठ करके पढ़ाई करने लग जाते हैं, या कोई भी बच्चे ठीक है जिनको तैयारी करनी होती है, और ये टाइम हो रहा हमारा सोने का। चलो यार, गुड नाइट। अब इनके डायलॉग पता नहीं ऐसे नहीं है भाई, ये बहुत खतरनाक खतरनाक डायलॉग कह देते हैं ना यार। बस गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और बढ़िया से ना, मेरी तो नींद खुल चुकी है,
इस तरफ देखो अन्नदा की पैकिंग भी होने लग गई है। और क्या बढ़िया ना इन पेड़ों के बीच से धूप छन के आ रही है बहुत प्यारे तरीके से। तो जंगल तो आपने सुबह सुबह देख लिया है किस तरीके का है करके, क्योंकि ना रात में आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया था। अपना घने पेड़ों के बीच में जंगल के बीच में हम लोगों ने कल रात काटी। आ गए यार, जगह इतनी बढ़िया लग रही है, पीछे साइड से धूप भी निकल लिया ना, सूर्य उदय हो रहे हैं तो इस वजह से सभी जगह रोशनी फैल रही है, गजब लग रहा है यार, गजब व्यू। अभी फटाफट से ना अपनी पैकिंग शैकिंग कर लेते हैं और आप टाइम लैप्स एंजॉय करो, ठीक है। अब देखो भाई, गाड़ी भी चिल्ला चिल्ला करके ना एक गीत बना रखा है कूड़े से रिलेटेड। तो ऐसा है कि फिर से वही एक अवेयरनेस वाला मैसेज देना चाहूँगा लास्ट में वीडियो के, कि भाई स्वच्छता जरूरी है। देखो हमने ना एक भी गंदगी नहीं छोड़ रखी है, गंदगी बच्चियों की उसको भी कलेक्ट करेंगे, आसपास के जो लोग करके हैं उसको तक ले आते हैं हम, है ना। तो चलो भाई अभी यहाँ से पैक हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग मन में कोई सजेशन है देना चाहते हैं कि किस टाइप की वीडियोस मेरे को बनानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर वो भी बताना जरूर से। बाकी का मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Wow.